Hello everyone, welcome to your own gardening channel. In today's video, I am here with one of my favorite evergreen flowering succulent plant, which is called Agave filifera. This is Agave filifera and it is native to Mexico. Scientifically, it is known as Agave filifera, and in her classification, it is known as Agave plant, and commonly it is known as thread agave and simply Agave plant, and it belongs to the family of Asparagaceae. Suitable environment में grow कर रहे हो तो they can grow up to 3 feet in height और 2 feet की ये spacing कर सकते हैं। In summer months ये produce करते हैं flowering stalks, इनका flowering stalk जो है वो काफ़ी height पर जा सकता है, like 10 to 12 feet का वो height में जा सकते हैं इसका flowering stalk। और at the initial stage ये अपने जो flowers produce करते हैं वो येलोविश ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, उनके साथ ये ब्लूम करता है, और जैसे जैसे जो फ्लावर्स हैं अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, वो पर्पलश जो कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत इजी है इस प्लांट को केयर करना, बहुत इजी इस प्लांट को अपने गार्डन में स्पेस देना, स्पेशली सकुलेंट गार्डन में, और आप अपने गैवी के कलेक्शन जो हैं उनमें इनको ज़रूर स्पेस दें। और सैंडी लूमी ग्रेवली सॉइल मिक्स जो है उनमें वेल ड्रेन सॉइल मिक्स जो है उनमें ग्रो करना लाइक कर सकता करता है ये। और आप इनको कैक्टस मिक्स में ग्रो कर सकते हैं, आप इनको सकुलेंट मिक्स जो है उसमें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉइल मिक्स ये प्रेफर करते हैं वो सैंडी लूमी ग्रेवली सॉइल मिक्स जो हैं उनमें ये हेल्दी ग्रो करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस प्लांट की विज़िट करवाता हूँ, और मेरे पास ये 2 प्लांट्स हैं आज, इनको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्मॉलर कंटेनर टेराकोटा पॉट के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और आई थिंक इसके जब मैंने इसको प्लांट किया था इसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो मेरे साथ होंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और अभी इसको नीड है बिगर स्पेस की, और इसके लिए जो सॉइल मिक्स क्रिएट करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। और पेस्ट वगैरह जो हैं वो रेयरली अटैक करते हैं इनके ऊपर, लेकिन जब ये प्लांट ब्लूम कर रहा हो तो इसके ऊपर जो मेलीबैग और स्केल इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं, इनके ऊपर एफर्ट्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली जो है वो आप नीम ऑयल और लिक्विड डिटर्जेंट जो है उसका स्प्रे जो है उसके मिक्सचर का स्प्रे करें तो वो रिमूव हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर जो डिजीज़ अटैक करती हैं उसमें रूट रॉट है, जो ओवर वाटरिंग की जो वजह जो है उसकी वजह से इसको रूट रॉट हो सकता है, इसलिए इसकी जो वाटरिंग है वो आपने बड़ी मैनेज रखनी है। आप जब इसका जो हाफ पोर्शन है सॉइल मिक्स का वो ड्राई हो जाए तो आप इसको वाटर कर सकते हैं, और समर मंथ्स में आप इनको 2 to 3 days के बाद वाटर कर सकते हैं, तो ये हेल्दी ग्रो करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इस प्लांट की विज़िट करवाता हूं, और उसके बाद हम अपने वर्क स्टेशन पर जाएंगे और इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा सॉइल मिक्स जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूं इसको रिपोर्ट करने के लिए। सो लेट्स गो। जी व्यूअर्स, ये मेरा एगेवे फिलिफेरा का प्लांट है, और यहाँ पे इसके लीव्स हैं, लीव्स इसके काफ़ी थिक होते हैं, और इनके एजेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्पाइंस होते हैं, काफ़ी शार्प स्पाइंस होते हैं इनके, और जब भी आप इसके साथ डील करें आपने इसके जो स्पाइंस हैं इनके जो स्पाइक्स हैं इनसे जो केयरफुल रहना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको थ्रेड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जिसकी वजह से इसको थ्रेड प्लांट भी बोला जाता है, इसको थ्रेड एगेवे भी बोला जाता है। खूबसूरत प्लांट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्मॉलर कंटेनर जो है टेराकोटा का 6 इंचेस कंटेनर है जिसके अंदर ये ग्रो कर रहा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके जो लोअर लीव्स जो हैं ये ड्राई हो चुके हैं। अभी मैं इनके जो लोअर लीव्स हैं इनको रिमूव कर दूंगा, और इसको जो है इसके न्यू कंटेनर के अंदर जो है मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा प्लांट है, तभी चलते हैं और अपने इस प्लांट को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको इसका जो दूसरा प्लांट है उसकी भी विज़िट करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा एगेवे फिलिफेरा का जो सेकंड प्लांट है ये भी हेल्दी ग्रो कर रहा है, इसको भी मैं आज बिगर कंटेनर जो है उसमें शिफ्ट करने जा रहा हूँ, और
ये भी 6 inches कंटेनर जो है उसके अंदर ग्रो कर रहा है, टेराकोटा पॉट के अंदर ग्रो कर रहा है, और इसको भी आज मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको बिगर कंटेनर के अंदर शिफ्ट करूँगा। तो अभी अपने वर्क स्टेशन पर चलते हैं और अपने एगेवे के इस प्लांट को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। सो लेट्स गेट डर्टी। जी व्यूअर्स, वी आर एट आवर वर्क स्टेशन नाउ, और सबसे पहले मैं इस प्लांट की जो है वो क्लीनिंग करता हूँ और उसके बाद इसको रिमूव करता हूँ और बाकी के सॉइल मिक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता जाऊँ। यहाँ पे इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास जो है वो रिवर सैंड है, मेरे पास सैंडलूमी सॉइल मिक्स है, मेरे पास जो है मिचोर्ड काउडांग है फॉर द बेटर न्यूट्रिशन, लिटिल माउंट जो है मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास जो है ग्रेनेट के चंक्स हैं। तो इस मिक्सचर में मैं अपने इस अगेवे को जो है वो रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए जो पॉट मैंने चूज़ किया है, इसके लिए ये वेल ड्रेन जो पॉट है टेराकोटा का पॉट है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी बेस के अंदर होल है, और इस होल को कवर करने के लिए आप कोई से भी गार्डन स्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है कोई सा भी स्टोन जो है वो इसके बेस के ऊपर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ताकि जो हमारा वाटर है सिर्फ वो ड्रेन हो, हमारा सॉइल मिक्स जो है वो वाटर के साथ फ्लो ना कर जाए। तो इस तरह आप इसको कवर कर देंगे और सॉइल मिक्स रेडी करते हैं। उससे पहले मैं प्लांट की क्लीनिंग करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, प्लांट जो है उसको क्लीन किया जा चुका हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये अपने रूट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके लिए भी सॉइल मिक्स जो है उसको मैं रेडी करता हूँ और अपने प्लांट को जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा एगेवे फिलिफेरा जो है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है, और इसके डेकोरेशन के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इसके साथ जो है वो ग्रेनाइट के जो बिगर चंक्स हैं वो ऐड कर दिए, और अभी मैं इसकी वाटरिंग कर दूंगा और इसको इनडायरेक्ट ब्राइट सन लोकेशन पर डिस्प्ले कर दूंगा, और जैसे ही अपने न्यू जो शूट्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा इसको मैं ब्राइट सन लोकेशन पर डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि ये प्लांट जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप कर सके। जे वेवर्स, हमारा फिलिफेरा जो है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है, अभी इसका जो सेकंड प्लांट है इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा, और आपको इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशन हैं, मेरा जो वीडियो वो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आई थिंक मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कह सकते हैं, आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।